करोगे बालवीर, उतने ही जल्दी इस मगरमच्छ का मुंह छोटा होता जाएगा। देख लो, तुम्हें कोई और पैतरा आजमाना हो तो आजमा सकते हो। विवान, तुम घर आ गए क्या बेटा? अब हाँ हाँ आंटी, वो घर आ गया। वो एक्चुअली ना अभी सो रहा है। सो रहा है? और कितना सोएगा? अरे आंटी, वो सुबह पाक गया था ना, तो थोड़ा थक गया था, इसीलिए मैंने उसे कहा कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले। अच्छा, अरे लेकिन इतनी मोटी रजाई क्यों ओढ़ी हुई है इतनी गर्मी में इसने? कहीं इसको ठंड तो नहीं लग गई है? नहीं आंटी, वो एक्चुअली क्या है ना, वो अकी डांट से डर रहा है। उसे लग रहा है कि कहीं आप उसे छड़ी से ना मार दो, इसीलिए मोटा ब्लैंकेट लेके सो रहा है ताकि उसे चोट कम लगे। बोलो नहीं, सुनो अनन्या, मैंने इसे कभी छड़ी से नहीं मारा है। इसीलिए तो आंटी, छड़ी से मार खाने का इतना डर है उसके अंदर। और वैसे भी आंटी, मार खाने वाले बच्चे तो इतने जिद्दी हो जाते हैं। आंटी इसीलिए आई सजेस्ट यू, आपको अभी ना उसे रेस्ट करने देना चाहिए। ठीक है, तुम चाय पियोगी? हाँ आंटी, ऑफ कोर्स। वैसे भी मुझे एक घंटे तक आपको विवान के पास जाने से रोकना है। मैं लेकर आती हूँ। ओके आंटी। रिंकू, बस मैं नहीं कर सकता बस। अरे रिंकू प्लीज, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ी देर और लेटना है प्लीज। मैं थोड़ी देर भी इस ब्लैंकेट में रहूंगा ना तो मेरा ब्रेन मेल्ट हो जाएगा। प्लीज थोड़ी थिन ब्लैंकेट अरेंज करो ना। रिंकू, अगर मैंने तुम्हें इससे थिन ब्लैंकेट दी ना तो आंटी को डाउट हो जाएगा। अगर मैं इसमें थोड़ी देर और भी रहना तो मेरा ब्रेन मेल्ट होके मेरी नोज आउट हो जाएगा। और ह्यूमन बायोलॉजी के हिसाब से अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया ना तो मुझे डिहाइड्रेशन, कलवेशन और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। अरे अरे नहीं नहीं रिंकू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एसी ऑन कर देती हूं। प्लीज प्लीज अभी सो जाओ। दीदी, आपने मुझे बताया नहीं कि विवान है कहां? विवान यहां है और तुम भी यही हो बालवीर, मेरी दुनिया में। और वैसे भी तुमने जो रसायन पिया है उसके असर से तुम पानी में सिर्फ 30 मिनट तक ही सांस ले पाओगे, उसके बाद नहीं। इसलिए मुद्दे से भटको मत। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन खून देने से पहले मैं विवान से बात करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि वो ठीक है या नहीं। विवान, 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 तुम ठीक हो ना? विवान, ये सब तुमने क्यों किया? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझे बता दिया होता। हाँ हाँ, जैसे आप तो हर चीज मुझे बता कर करते हो, छोटे तो बड़ों से ही सीखते हैं ना। विवान, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, ये सब देवू भैया, ये सिरिंज आपके हाथ में? हाँ विवान, इन लोगों को जो चाहिए मैं उन्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। क्या? भैया रुके, भैया रुकी प्लीज।
करने से पहले फल को खाकर अपने खून को बेअसर कर दिया था, लेकिन आप यहाँ ऐसे ही चले आए। मैं जानता हूँ विवान, लेकिन अगर मैं भी वो फल खा लेता तो तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचता, क्योंकि मेरा खून भी बेअसर हो जाता, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। ये लीजिए आपका खून। तुम दोनों को क्या लगता है मैं एक ही धोखा दो बार खा सकती हूं? अगर तुम्हारे खून का रंग भी विवान के खून के रंग की तरह बदल गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा बालबीज। यही मौका है विवान को बचाने का, जब तक ये अपने काम में उलझी हुई है। ऐसे नहीं मानेंगे स्मार्ट इवेंट। चलो विमान। खून में मिलावट नहीं है। विवान लंबी सांस लो, अच्छे से ब्रीथ करो, ओके? लंबी सांस। अरे विवान क्या हुआ तुझे? वो क्या है ना आंटी, सुबह ठंडी हवा लग गई उसे, इसीलिए थोड़ी सर्दी हो गई है, स्टीम ले रहा है, बस ठीक हो जाएगा। अरे 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 ये पर इसने पूरी बॉडी क्यों ढक रखी है? स्टीम ले रहा है, स्टीम बात ले रहा है ये। वो आंटी ये नया मेथड है, इस मेथड की वजह से पूरी बॉडी के स्वेट के साथ साथ सर्दी भी चली जाती है। विवान तू ठीक है ना बेटा? बोलूंगा तो फंसूंगा, नहीं बोलूंगा तो भी फंसूंगा, इसे कहते हैं माँ की डिलेमा, क्या करूं? नहीं आंटी, अब वो आंटी मैंने ना आज यूट्यूब पे सर्दी कम करने के लिए एक रेसिपी देखी है, थेरेपी देखी है। अदरक तुलसी का काढ़ा पीने से ना सर्दी कम हो जाती है, तो आप इसके लिए बना दीजिए। हाँ सही है, मैं लेकर आती हूँ। माफ़ीज लो, अगर कुछ बुरा होना ही है तो वो होकर ही रहेगा। हम महल से दोबारा आ गए, यहाँ तो रास्ता ही नहीं मिल रहा, चिंका से बाहर कैसे जाएंगे? तैर कर जाएंगे, और कैसे जाएंगे? छोटे भैया, छोटे भैया
यहाँ तो आपका नाटक देखने के लिए कोई भी नहीं है, तो फिर आप मुझे छोटे भैया क्यों बुला रहे हैं? विवान, मतलब तुम मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करोगी। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुमसे कभी सच नहीं छुपाऊंगा। विवान, एक्टिंग करने से मैं आपको माफ नहीं कर दूंगा। भैया 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 आप बिक गए ना भैया, ये क्या हो रहा है आपको? तुमने जो रसायन पिया है उसके असर से तुम पानी में सिर्फ 30 मिनट तक ही सांस ले पाओगे। मेरे मां ने कहा था मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है। भैया बिगड़ लो, मैं कुछ करता हूँ। विवान, विवान। 20 सालों में ये अंडा सिर्फ एक बार खुलता है बालवीर। अगर विवान को तुम इसमें से बाहर निकालना चाहते हो तो अपना खून हमें दे दो, वरना रहने दो अपने भाई को इसमें बंद 20 सालों तक। अब समय नहीं है तुम्हारे पास पालवीर, फैसला कर लो, तुम्हें तुम्हारा खून प्यारा है या विवान? मैं कायरों के साथ सौदा नहीं करता। शिकार को जाने नहीं दे सकते, हमें इसे रोकना होगा। चिल मिस्टर बी, मैंने आप ही से सीखा है कि जब प्लान ए पर एक्शन ले रहे हो तो प्लान बी भी रेडी होना चाहिए, और मेरा प्लान बी है वो गोला जिसमें विवान ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है। टूट क्यों नहीं रहा? भैया देख लिया ना, आपकी मिस्टेक की वजह से मैं चूजी की तरह इस अंडे में फंस चुका हूँ। मेरी गलती? अरे मुझसे पूछे बिना तुम वहां पे रक्तदान करने के लिए चले गए, उसमें मेरी गलती? हाँ, क्योंकि अगर मैं आपको बताता ना तो आप मुझे पीछे करके खुद चले आते, शो ऑफ कर रहे। विवान तुम मेरे छोटे भाई, और तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है, इसे तुम दिखावा समझते हो तो दिखावा ही सही। भैया अगर एक बालवीर दूसरे बालवीर की रक्षा करने लगेगा तो दुनिया की रक्षा कौन करेगा? ये अंडा टूट गया।
विवान, गुस्सा मत करो। इस गोले से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। एक काम करते हैं, तुम अंदर से अपने हथियार से हमला करो, मैं बाहर से हमला करता हूँ, शायद ये टूट जाए। राइट। मैं गिनती करता हूँ और आप क्यों काउंट करोगे? मैं काउंट करता हूँ। ठीक है, तुम गिनती करो। रेडी, 1, 2, 3। टूटना तो दूर, इस गोले में दरार तक नहीं पड़ी। भैया, आपके लिए एक और घुटनी हो जाए। क्या विवान? अंदर के हवा के कारण मुझे चक्कर आ रहे और मुझे वीकनेस फील हो। विवान, 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 मुझसे बातें करो। विवान, विवान, तुम ठीक हो ना? विवान, उस अंडे पे मैंने एक परत लगा दी जिसका असर 12 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद उसे 20 सालों तक कोई ताकत नहीं तोड़ पाएगी। और अगर इन 12 घंटे में बालवीर ने एक प्लान सी बनाकर तुम्हारे प्लान बी को चौपट कर दिया तो? डोंट वरी मिस्टर वी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगले 12 घंटों तक मैं बालवीर का फोकस इतना डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा कि वो प्लान तो क्या अपने नाम की स्पेलिंग तक भूल जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोनों शागिर्द इतना आगे की सोच कर चाल चल रहे हैं। काढ़ा तैयार है विवान, ये ले। अरे ये क्या, तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? अब आंटी वो एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ, विवान बाहर क्यों नहीं आ रहा। वो विवान ने मुझे सुबह बोला था, वो अनन्या तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे मैंने जीके का कोई क्वेश्चन पूछ लिया हो तुमसे। विवान, अरे विवान, अरे करुणा जी, और जरा विवान को बुला दीजिए ना। विवान, सुतली को सुतली की साइज की बुक वापस चाहिए। इनको भी अभी टपकना था। विवान, अरे करुणा भाई, ओ जल्दी से विवान को बुलाओ ना, गोपू का फोन आया। ओ गोपू को ना विवान से बात करनी है। हाँ हाँ, हाँ ला। ओ नो, नमस्कार करुणा जी। विमान ने जरा फटाफट बोलवा ना, मुंबई पुलिस के ऊपर उसको निबंध लिखना है, उसके लिए उसने मेरी मदद मांगी थी। व्हाट इज दिस, विवान ना हुआ, सलमान की मूवी का मैटनी टिकट हो गया, सारे के सारे लोग एक ही साथ टपक पड़े हैं, अब क्या करूं? अरे जल्दी बुलाओ ना विवान को, अरे मेरा बिल बढ़ा है इधर। विवान, एक मिनट आंटी, आंटी आंटी एक मिनट। अरे विवान, मेरा दूध चढ़ा है बेटा गैस पे, जल्दी दे दी। एक मिनट, एक मिनट। अरे एक घंटे के बाद तो मुझे भी दूध पीने जाना है। क्या? पुलिस ड्यूटी पे जाना है। बोलो ना विमान। साइलेंस 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 साइलेंस। विमान अंदर है, चाहिए आप लोग जाके उससे मिल लीजिए। अरे देवू, तुम ये क्या ले आए, इतना बड़ा कहाँ से उठा के लाए हैं? कौन है दीदे? देव, ये कहाँ से उठा गया एंटीक पीस? ये कहीं डायनासोर का अंडा तो नहीं? अरे
अरे चिंटू, ये डायनासोर का अंडा नहीं है। डायनासोर तो 65 मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो फिर ये गोला है क्या? अरे ये एक्चुअली एक साइंस प्रोजेक्ट है। ये रात को बिना इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज किए सोलर पावर से रोशनी देता है। अरे वाह देवू, तो फिर एक काम करने, ऐसे एक दर्जन गोले मेरे लिए भी बनवा लो। ओके ना, बिजली का बिल कम आएगा ने, है ना? मेरे लिए ना, मेरे लिए भी आधा दर्जन लेके आना। अरे अरे, सबके लिए बना दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इस पे काम चल रहा है ना, पूरी तरह से तैयार नहीं है। हाँ। और माँ, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में विवान मेरी हेल्प कर रहा है, इसलिए हाँ हाँ आंटी, इसीलिए तो विवान रूम से बाहर नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ना आंटी, ये टॉप सीक्रेट है ना टाबू? यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छा ठीक है देबू, तुम आराम से अपना काम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माफ कीजिएगा मां, मुझे आपसे सच छुपाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा विवान खतरे में है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस कोले से बाहर निकाल कर ही रहूंगा, लेकिन कैसे? डबू, नाउ टेल मी, किस म्यूजियम से उठा के लाए हो तुम ये गोला? अनन्या, वो सच बताओ मुझे, इस पर क्या फंडा दे रहे हो तुम सबको? कोई फंडा नहीं है, सब क्लियर है। वो एक्चुअली विवान को है ना, डॉक्टर के वहां से वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तब तक ये सबको डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसीलिए तुम ये लेके आए हो? हाँ, अब थोड़ा बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा ना। अब मुझे 3-4 घंटे आराम से मिल जाएंगे, तब तक मैं विमान को वापस ले आऊंगा। अब मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं पर रुको। पर इतनी देर यहाँ रुक के मैं क्या करूंगी? इस गोले को हिप्नोटाइज करूंगी क्या? नहीं नहीं, इस गोले का ख्याल रखोगी। मैंने कहा ना कि माँ इस गोले के पास नहीं आनी चाहिए, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि विवान यहाँ पर नहीं है, है ना? हाँ, ये बात भी सही है। ओके, तो मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू अनन्या। मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रही हो, इसलिए सामने आकर जो कहना चाहती हो कह दो। बताओ, उस गोले पर तुमने समय सीमा क्यों लगाई है? तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम खून देने में जितनी देर करोगे बालवीर, तुम्हें उतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए हार मान लो। उस कवक के अंडे की सतह बहुत कठोर है, इसलिए उसे खोलने के लिए प्रचंड शक्ति की जरूरत पड़ेगी बालवीर। ऐसी प्रचंड शक्ति सिर्फ परितारा के पास है। Thank you.
शौर्य, इस चाबी को बनने में कितना समय लगेगा? ये कोई साधारण चाबी नहीं है बालवीर, इसलिए थोड़ा धैर्य रखो। बालश्री, आपने ठीक कहा था, बालवीर के पास अब भी कोई चाल बाकी है, इसलिए मेरी चेतावनी देने के बाद भी उसके चेहरे पे डर की एक सिलवट तक नहीं पड़ी। ऐसा भी तो हो सकता है कि बालवीर को अपने फियर को हाइड करना बहुत अच्छे से आता। एक समझदार योद्धा वो होता है जो कभी भी अपने दुश्मन की ताकत को कम नहीं आंकता। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि बालवीर अपनी तरकीब की कोई चाल लेकर आया है, तो क्या करोगे तुम? लाने दीजिए उसे तलवार मिस्टर बी, क्योंकि जब तक बालवीर लौटेगा मैं उससे 100 steps आगे निकल गया हूंगा। मतलब यह ब्रिगेंजा कि अब उस गोले को गायब करने का काम तुम्हारा होगा। अच्छा, मैं क्यों जाऊं? मैं कोई जादूगर हूं जो छू मंत्र बोलके गोले को गायब कर दूंगा? मैजिक नहीं ब्रिगेंजा, इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग का यूज करना होगा। चिंटू, तुझे क्या लगता है वो देबू जो गोला लाया है वो सच्ची में कोई साइंस प्रोजेक्ट है या कुछ और? क्वेश्चन मत पूछो मोंटू भैया, जब मैं ज्यादा सोचता हूँ ना तो मुझे भूख लग जाती है। ले, आ गया इडली वाला, खा ले। मैं इडली वाला नहीं हूँ। अरे मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे अंदर की भूख और जिज्ञासा दोनों जाग जाएगी। कौन हो तुम? कौन हूँ वो छोड़ो, और तुम कौन हो वो पकड़ो। कौन? जीनियस। तुम जो गोला का बात कर रहा था ना, वो गोला कोई साइंस प्रोजेक्ट नहीं है। अब इस गोले को क्या हो गया? वो एक्चुअली क्या है ना, जब मैं ज्यादा सोचता हूँ ना तो मुझे भूख लग जाती है। वैसे वो गोले में है क्या? बताता। उस गोला के अंदर अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, दुबई, मस्कत, ये सब कंट्रीज का चॉकलेट और टॉफीज भरा है। मुंडू भैया, वैसे क्या बोलते हो आप, वो गोले को हम निकालें? हाँ, लेट्स डू इट। चलो। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं ही बोल रही हूँ। कुछ तो नाम होगा ना तुम्हारा। People call me Ray. Ray? Oh my God. Sorry Ray, वो actually फोन पे मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचान पाई। It's all right अनन्या, अगर तुम नहीं पहचान पाए तो, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज जरूर पहचान लूंगा। And you know why? Why? Because तुम्हारी आवाज बहुत स्वीट है, एकदम मॉडर्न जैज़ की तरह। लायो। Is that so? तो एक काम करो, घर के बाहर आकर खुद ही मेरी आंखों में देखकर बता दो that I'm liar or your admirer. Oh my God, तुम घर के बाहर हो? वही रुको, मैं अभी आती हूँ। बिजी तो नहीं हो ना तुम? नहीं, मतलब हाँ थोड़ी सी बिजी हूँ, पर 5 मिनट के लिए आ सकती हूँ। सुनो, तुम वहीं रुकना ठीक है, और फोन मत काटना, मैं बस आ रही हूँ। ओके ओके। हाय, तो मिस्टर एडमायर, ये बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे बाहर? अरे मुंडिया, ओह ओह,
फोन काट सकते हैं। सॉरी। बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे? तुम्हारा ब्यूटीफुल सा फेस देखने के लिए, ताकि आज का दिन लकी हो जाए। रे, यू टू मच। सच सच बताओ ना, क्यों बुलाया तुमने मुझे बाहर? मैं सोच रहा था कि भारत नगर में शिफ्ट हो जाओ। व्हाट? ये इसका मतलब कि तुम हमेशा पास रहोगे? आई मीन कॉलेज के पास रहोगे, मतलब कॉलेज भी तो यहाँ से बहुत पास है ना, और तुम ट्रैफिक में भी नहीं फंसोगे। सुपर आइडिया। एग्जैक्टली। तो बताओ मैं शिफ्टिंग में तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? शिफ्टिंग से पहले तुम्हें मेरी हाउस हंटिंग में हेल्प करनी होगी। या ऑफ कोर्स। किस टाइप का घर चाहिए तुम्हें? जब तक ब्रिगेंजा के प्यादे अपना जॉब पूरा नहीं कर लेते, मुझे इस लड़की को यहीं बिजी रखना पड़ेगा। आंटी भी आनी है, फटाफट इसे लेके निकलते। हाँ चलो। उठाओ 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 उठाओ। शौर्य, इस अखंड ब्रह्मांड चाबी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? तुम इस चाबी को अपने हाथ पर पहनकर जैसे ही उस कवक के अंडे को छुओगे, वो अंडा खुल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बालवीर, इस चाबी का प्रयोग तुम केवल एक बार ही कर सकते हो, इसलिए बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी तुम्हें। ऐसी गोले इतना भारी क्यों है? इसमें चॉकलेट है या फिर पत्थर? अरे क्या है ना, इसमें फॉरेन की भारी वाली चॉकलेट है, इसीलिए इतना भारी है। अंडा रखा गया। गोला कहाँ चला गया? अनन्या, अनन्या। ओ हेलो, कहाँ लॉस्ट हो गए? बताओ ना किस टाइप का घर चाहिए तुम्हें? अब घर जैसा घर चाहिए और क्या? ये कैसा आंसर हुआ? अब मेरे कहने का मतलब है तुम्हें किस टाइप का घर चाहिए? 1 BHK चाहिए या फिर कोई विला चाहिए या फिर पेंट हाउस चाहिए या कोई इंडिपेंडेंट घर चाहिए? प्लीज स्पेसिफिक ना। अब इतने सारे ऑप्शन दे दिए तुमने मुझे एक साथ, तो सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो दो। अब ये भी बात सही है। तो एक काम करते हैं, हम ना कल या परसों में तुम्हारे लिए हाउस हंटिंग करते हैं, क्योंकि आज मैं ना थोड़ी बिजी हूँ। ओके डील, आई विल कॉल यू। थैंक यू। चारिया, ये वही कवक का अंडा है ना जिसे जयकास ने बनाया था, हाँ, जो बालवीर के अतीत से जुड़ा है। हाँ बालपरी, अब हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि इस कवक के अंडे को खोलने के बाद बालवीर को सिर्फ विवान मिले और अपने अतीत का कोई राज न मिल पाए।
क्योंकि अगर उसे अपने अतीत के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। कहीं वो विप्रा तो यहाँ नहीं आई थी, शायद वही ये गोला उठा कर ले गई हो। लेकिन अनन्या तो यहीं पर थी, फिर भी ये निशान किस चीज के? ए छोटा बालवीर, ए छोटा बालवीर, मजा आ रहा है क्या? तू अंदर ही मजे ले बेटा। अरे गोला बाबा कर लिया मैं, अब बताओ आगे क्या करना? इस गोले को हम शिंकाई ले चले? नहीं ब्रिगेन साहब, तुमने सुना होगा ना कि चोरी करना बुरी बात है, इसलिए हम इस गोले को यहीं छोड़ देंगे। अरे ये क्या उल्टी बात कर रहे हो तुम? अगर गोला चाहिए ही नहीं था तो फिर चोरी क्यों करवाया मुझसे? असली हम गोले को चोरी करना नहीं था ब्रिगेन साहब, असली हम तो बालवीर का फोकस डिस्ट्रैक्ट करना था। है? अरे लेकिन ये गोडाउन तो बालवीर के घर के आसपास है, अगर बालवीर को ये गोला मिल गया तो? यही तो मैं चाहता हूँ ब्रिगेन साहब, ये गोला बालवीर को जल्द से जल्द मिल जाए। ये क्या उलझुल बक रहे हो तुम? अगर गोला चाहिए नहीं था तो चुराया क्यों, और चुराया तो वापस क्यों कर रहे हो? Trust me, Briganza, मेरा next move एक master stroke होगा, जिसे देखकर बालवीर helpless हो जाएगा और उसे अपना प्लाज्मा मुझे देना ही पड़ेगा। कहा था ना ब्रिगेन साहब, इस बार मैं बालवीर से 100 steps आगे रहूंगा। इतने सारे गोलों में से फान किस में, ये कैसे पता लगाऊंगा मैं? पुलिस हो और चाबी एक, ये तो बहुत ही मुश्किल पहेली है, लेकिन इस मुश्किल पहेली को मुझे किसी भी तरह सुलझाना ही पड़ेगा, और वो भी समय सीमा के खत्म होने से पहले, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, एक तरकीब है, मैं विवान को आवाज लगाता हूँ, शायद वो मेरी आवाज सुन ले। विवान, 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 विवान कहाँ हो तुम? विवान, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विवान जवाब दो, विवान, विवान क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? विवान, विवान जवाब दो, विवान तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? लगता है मुझे अंतर्मन की शक्ति से विवान से बात करनी पड़ेगी। विवान, विवान, विवान क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जवाब दो विवान, विवान। ये सब काम विप्रा अकेले नहीं कर सकती, जरूर उसके साथ कोई है, तभी तो वो मुझसे एक कदम आगे रह रही है। मैं जितने भी बार विवान को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हर बार मेरे लिए काम उतना ही मुश्किल कर देता है। आखिर ये है कौन जो बार बार मेरे साथ ये खेल खेल रहा है? वो मैं हूँ, वन एंड ओनली रे, जो एकदम कूल रहकर बार बार तुम्हें फूल बना रहा है बालवीर, जिसके अमेजिंग प्लान से तुम्हारे पास कभी गोला होता है तो चाबी नहीं, और चाबी होती है तो तुम्हें ये पता नहीं होता कि उस चाबी से किस गोले को खोलकर विवान को बचाना है। सेट बालवीर, सेट, कि रे ने तुम्हें क्रेजी कर दिया है। आ, आ,
बड़ा मजा आ गया बालवीर को बिना पानी के मछली की तरह तड़पते हुए देखकर। बिरबा, बहुत ही कमाल के आविष्कार हैं तुम्हारे। कमाल सुंदरी जी, कमाल! कैसे आप यहाँ से कोई भी चीज इस चलचित्र पर देख सकते हैं? कमाल का आविष्कार बनाया आपने। अब ये कौन सी मुसीबत आई तुम सब पे? मेरा मतलब है हम सब पे। लगता है ये कोई परी है। ध्वनि परी, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए। विवान को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। हाँ बालवीर, इसीलिए मुझे बाल परी ने यहाँ भेजा है। तो फिर देर किस बात की, तोड़ देते हैं इन गोलों को। नहीं ध्वनि परी, ये उतना आसान नहीं है। यहाँ पर 100 गोले हैं पर हमारे पास केवल एक चाबी है जिसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है। अब अगर मैंने गलती से गलत गोला चुन लिया तो विवान 20 सालों के लिए इन गोलों के अंदर कैद हो जाएगा और हमारे पास समय भी नहीं है, इसलिए हमें जल्दी ही कोई निर्णय लेना होगा। एक तरीका है मेरे पास, मैं अपनी ध्वनि तरंगों से विवान की धड़कन और सांसें सुन सकती हूँ। हाँ ध्वनि परी, कोशिश कीजिए। ठीक है। मुझे विवान की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है और वो आवाज उस गोले से आ रही है। विवान, अब तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें इस गोले से बाहर निकालता हूं। Damn it! अगर बालवीर ने पता लगा लिया तो आई विल डिस्ट्रॉय दिस गोला। आई विल किल बालवीर एंड विवान बोथ। सब्र रे सब्र। अरे पता नहीं वो गोला वहां पर क्यों छोड़ा, यहाँ सिंकाई ले आता तो सही होता। मन करता है जूता फेंक के मारू खुद को। क्या हुआ ध्वनि परी? मुझे इसकी धड़कन की आवाज इस गोले से भी सुनाई दे रही है। बालवी, उस गोले से भी आवाज आ रही है, उस गोले से भी, उससे भी। बालवीर, हर गोले से आवाज आ रही है। ध्वनि परी, आप कहना चाहती है कि यहाँ पे बड़े 100 के 100 गोलों में से आपको विमान की धड़कन की आवाज आ रही है? हाँ। लेकिन ध्वनि परी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब फिर से कोशिश कीजिए, विवान इनमें से किसी एक गोले में ही हो सकता है। एक मिनट, विवान के धड़कन की आवाज सबसे पहले उस गोले में से आई थी, है ना? हाँ। इसी गोले में होगा विवान, मैं इसी गोले को खोलता हूं। रुको बालवीर,
आवाज हर गोले से आ रही है और मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकती बालवीर कि इसी गोले में विवान है। इस चाबी को हम दोबारा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते और अगर हमारा अंदाजा गलत निकला बालवीर तो विवान वाह रे वाह। यस खराय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। आइडिया मेरा है मिस्टर बी, लेकिन ट्रिक लेडी बीर बाकी है। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। तो बस जैसे ही उन्हें विवान वाले गोले में से धड़कन की आवाज आई, मैंने इस यंत्र से बिल्कुल वैसे ही धड़कन की आवाज सारे गोलों में डाल दी। वो एक रियल गोला और बाकी के 99 डुप्लीकेट गोलों का कंट्रोल लेडी बीरबा के पास है। अब सिर्फ 5 घंटे बचे हैं बालवीर के पास और हर सेकंड के साथ बालवीर पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब बालवीर एक रोते हुए बच्चे की तरह अपने भाई को ढूंढते हुए हमारे पास आएगा और घुटने टेक कर बोलेगा कि ले लो मेरा खून, ले लो लेकिन मेरा भाई मुझे दे दो। ओह गॉड, अब ये गोला कहाँ गायब हो गया? अनन्या क्या कर रहा है विवान? आंटी विवान, विवान सो रहा है। आंटी वो स्कूल का कोई प्रोजेक्ट कर रहा था तो प्रोजेक्ट करते करते थक गया और सो गया। अरे और कितना सोएगा ये लड़का, अब उसे कुछ खाया भी नहीं है, जरा उठाओ उसे। हाँ आंटी, आंटी वो विवान कह रहा है कि वो थोड़ी देर और सोएगा, उससे थोड़ी देर और सोना है तो उसे सोने दीजिए ना आंटी, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर बच्चे गहरी नींद सोए तो आगे जाके उनका दिमाग और तेज चलता है। अरे पहले से ही उसका इतना तेज दिमाग है, अब दिन में 2 बार सो के और तेज करके क्या रेस जीतनी है दिमाग की उसे? उठाओ उसे, इतना सुबह से उसकी शक्ल देखी है ना, आवाज सुनी है मैंने उसकी। एक काम करो तुम मत उठाओ, मैं ही उसे आकर उठाती हूँ। खोलो दरवाजा नहीं तो तोड़ दूंगी। खोलो आंटी, ये देखिए सो रहा है। मैं कह रही थी ना आपसे, इसे कैसे जगाना ना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। कैसे आंटी? अनन्या जरा ये चॉकलेट मूस केक टेस्ट करके बताना, मैंने बनाया है, टेस्टी है ना? थैंक यू। और हाँ ये वेनिला मिल्क शेक भी टेस्ट करना, विवान को बहुत पसंद है। अरे इसकी मेन गेट से खुशबू सूंघ लेता है विवान। क्यों विवान? ये जो सोया है ना, ये मेरा विवान नहीं है। अरे नहीं नहीं आंटी, अब ये विवान ही तो है। अगर ये विवान होता तो चॉकलेट मूस केक और मिल्क शेक का नाम सुनकर नाच रहा होता यहाँ पर अभी तक। करुणा आंटी को पता चलने से पहले ही सच बोलकर माफी मांग लेती हूँ, कम डांट पड़ेगी। विवान बहुत हो गया, चलो जा। आंटी इससे पहले आप ये कंबल उठाए, मुझे आपको सब कुछ सच सच बताना है। बोलो नहीं सुनो, पहले मुझे विवान की शक्ल देखनी है, उसके बाद तुम्हारी बात सुनो। अरे पर आंटी अगर आपने कंबल उठा दिया तो मैं अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूंगी, इसलिए आंटी प्लीज प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। पहले विवान? नहीं आंटी, पहले बात। पहले विवान? पहले बात। पहले विवान? पहले बात आंटी, पहले विवान। विवान उठ जा बेटा, कब तक सोएगा? अरे वाह मुस्की, तेरे लिए बनाया मैंने स्पेशल।
तेरा फेवरेट है ना। ये ले, अच्छे से खा। तुझसे कहा हुआ है ना मैंने, ज्यादा देर तक मुझसे दूर मत रहा कर। वो तो मैं भी कहा दूर रह सकता हूँ इससे। बोलो नहीं सुनो, पूरे दिन में मुझे शक्ल दिखाते रहा करना अपनी, ना टेंशन हो जाती है ना मुझे। ठीक है, एकदम ठीक हूँ माँ। हाँ अनन्या, अब बताओ क्या बोलने के लिए इतनी टेंशन में थी तुम। आंटी वो टेंशन वो तो चली गई। ऐसे बैठे बैठे दूर हो गई? बैठे बैठे नहीं आंटी, लेटे लेटे चली गई। आई मीन आंटी आपको लेट नहीं हो रहा? अरे हाँ, विवान के चक्कर में ना हमेशा लेट हो जाती हूँ मैं। अब विवान अब दोबारा नहीं लेटना, ठीक है ना? और अब जल्दी से बेड से उठो और फ्रेश हो जाओ। बालवीर, ये धड़कन सुनने वाली तरकीब तो काम नहीं की। अब हम कैसे पता करेंगे कि किस गोले में है विवान? ध्वनि पर भले ही धड़कन सुनने वाली तरकीब काम ना आई, लेकिन हम कोई और तरकीब निकाल लेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही बालवीर, आखिर ये गोला तुम्हारे हाथ से निकल कैसे गया? कहाँ रखा था तुमने? अनन्या, हाँ, गोले की रखवाली करने के लिए मैं अनन्या को छोड़कर गया था। उन दुश्मनों ने अनन्या की नाक के नीचे से उस गोले को चुरा लिया। अनन्या, अनन्या का नाम कैसा है? हाँ, मैं अनन्या से जाकर पूछता कि वो कहाँ थी, क्या उसके पास कोई आया था, और गोला चोरी हुआ कैसे? शायद हमें कोई सुराग मिल जाए, जिससे हमें पता चल जाए कि उन दुश्मनों ने आखिर उस गोले को चुराया क्यों? हाँ। ध्वनि परी, आप इन गोलों की रखवाली कीजिए, मैं अनन्या से पूछताछ करके आया था। हाँ, ठीक है। अगर अनन्या ने बालवीर को बताया कि तुमने फोन करके उसका ध्यान भटकाया था, तो बाजी पलट जाएगी और तुम बालवीर की नजर में भी आ सकते हो। डोंट वरी मिस्टर बी, बालवीर का हर प्लान फेल होगा। आई विल मेक श्योर कि बालवीर को कुछ भी पता ना चले अनन्या से। तुम यहाँ पे कैसे आए? मतलब मैंने तो इस ब्लैंकेट के नीचे पिलोज रखे थे, बट तुम यहाँ पे कैसे आ गए? ए ब्रेटलेट, अरे मैं तो भूल ही जाता हूँ कि धरती लोक में तो लोग ब्रेटलेट पहनते ही हैं। मैं भी कभी कभी कुछ कुछ चीजें भूल जाता हूँ। विवान मुझे सच सच बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे आए? मैंने इसके नीचे पिलोज रखे थे, तुम तो यहाँ पे थे भी नहीं, फिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है विवान, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। दबड़ 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 दबड़। लेकिन आप है कौन? मैं बाल परी हूँ वीर लोक से, मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ। अरे आना विवान, फिर से सो गया क्या? बाहर आके मेरी थोड़ी मदद कर। करुणा जी विमान को बुला रही है। वैसे है कहाँ विमान? यही तो है सामने। किसके सामने? हमारे सामने। डूबा डूबा तुम ही तो हो ना विवान, जाओ। मैं भी कभी कभी कुछ कुछ चीजें भूल जाता हूँ। हाँ जाता हूँ। अनन्या, मैं ही बालपरी हूँ। वो विवान के रूप में डूबा डूबा था और कुछ देर के लिए वही विवान बनकर रहेगा, पर बात वीर लोग तक क्यों पहुंच गए? कुछ बहुत बड़ी परेशानी हो गई है क्या? सब ठीक है ना बालपरी? मेरा भाई विवान ठीक है ना? अनन्या, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है कि डूबा डूबा ने विवान का रूप लिया है, पहले भी बहुत बार हो चुका है ऐसा। तुम चिंता मत करो, बस आराम से अपने घर चले जाओ। मुझे देवू करने के साथ मीटिंग करने से रोकना होगा। अरे बच्चा, मुझे नीचे उतारो, मुझे
नीचे उतारो जी। ये कौन सा नया सर्कस शुरू हो गया? तुम लोग खुद गुब्बारे जैसा फूल गए हो तो मुझे हवा में क्यों उड़ा रहे हो? उतारा मुझे नीचे। ये छोटा रिचार्ज गुब्बारा किसको बोला? हाँ एक, हम तुझे हवा में उड़ाने नहीं वाले, हम तो तेरी हवा निकालने वाले। तूने हमसे झूठ बोला ना कि उस गोली के अंदर चॉकलेट है, हमसे वो गोला चोरी करवाया। गोले को मारो गोली, बता मेरी चॉकलेट का है, बता मेरी चॉकलेट का है। बता पीछे ले लो मुझे, पीछे ले लो, पीछे बता दो। अयो वो गोले के अंदर कुछ नहीं निकला जी, पत्थर निकला, चॉकलेट तो निकला ही नहीं जी। देखो अगर तुम हमारे हमारी चॉकलेट्स के बारे में नहीं बताओगे तो हम जाके देवो भैया को बोलेंगे कि हमने तुम्हारे ही कहने पर वो गोला चुराया था। बोलो जाके बता दें। ए, वो देख देवो। चलो छोटा पैकेट है। ऐसे लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स है मेरे पास जो तुम दोनों को मिल सकता है, लेकिन अगर तुमने इसको ट्रबल किया या फिर देबू को कुछ भी बताने के बारे में सोचा तो चॉकलेट्स मिलना बंद। अरे हम पागल थोड़ी ना आपकी तरह। आपकी तरह ही हम भी समझ रहे, ऐसे ही चॉकलेट मिलते रहेंगे। तुम देबू को ही क्या, खुद को भी कभी नहीं बताएंगे। वैसे क्या नहीं बताएंगे मोंटू भैया? पता नहीं, वही तो भूलिए। अरे भूलिए भूलिए, चल चॉकलेट चल। दौड़ मुट्ठी वो। हेलो, ये सब क्या चल रहा है? अरे वो डूबा डूबा को विवान बना के क्यों लाए हो तुम? अरे मैं नहीं। सच सच बताओ मुझे, मेरा भाई कहाँ है? अरे सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। एक गोला संभालने का काम दिया था तुम्हें, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। बताओ क्या हुआ था, कहाँ ध्यान था तुम्हारा, तुम कहाँ गई थी, और साथ ही साथ वो गोला चोरी कैसे हो गया? मुझे एक एक सेकंड की डिटेल चाहिए, बताओ। लो आपके पहले अनन्या की मीटिंग तो देबू के साथ शुरू हो गई। लेकिन अब इसे मेरा नाम पता नहीं, से कैसे डिस्ट्रैक्ट करूं। ओ हेलो मिस्टर, वो सिर्फ एक गोला ही था, ठीक है, उसमें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो एक गोला नहीं था उसमें। अरे मतलब विवान का वो लाइफ लॉन्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। तुम भी गुस्सा हो जाओ मुझसे, मैं इतनी ज्यादा इनोसेंट हूं ना, इसीलिए सब कुछ उल्टा होता रहता है मेरे साथ। अरे 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 अनन्या, अनन्या इसमें रोने। मैं सबके बारे में सोचती हूँ पर मेरे बारे में कोई भी नहीं सोचता। तुम्हें पता है कितनी डिफिकल्टी हुई थी मुझे वो सब सिचुएशन संभालने में। करुणा आंटी से कितने सारे झूठ बोलने पड़े मुझे, घर भी नहीं गई मैं पूरे दिन। मैंने सोचा कि मॉम को टेंशन हो गई होगी इसलिए थोड़ी देर के लिए घर चली गई थी। अब उतनी देर में वो गोला चोरी हो गया तो मैं क्या करूं? इतना इम्पोर्टेंट था वो गोला तो तुम ही रुक जाते ना यहाँ पे। 100% इनोसेंट है, मेरे नाम का तो थॉट भी नहीं आया इसके दिमाग। हाँ यू आर राइट अनन्या, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। देखो देखो ऐसे रो मत, आंसू मत बहाओ, ये आंसू और प्रेशियस है, इन्हें ऐसे वेस्ट मत करो। प्रेशियस के साथ साथ डेंजरस भी है। अगली बार तुमने मुझसे ऐसे बात की ना तो अपने इन्हीं आंसू में तुम्हें डुबा दूंगी, तैर भी नहीं पाओगे तुम, समझे? सॉरी।
वाओ, व्हाट एन आइडिया, यू आर जीनियस। क्या? हाँ, आई मीन थैंक यू, तुमने मुझे अनजाने में बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया है उस गोले को ढूंढने का। अब तुम्हारे आंसू वेस्ट नहीं गए बल्कि आंसू वेस्ट में से बेस्ट बन गए। थैंक यू सो मच। अरे रुको, क्या आइडिया दे दिया मैंने तुम्हें? मैं आइडिया के बारे में तुम्हें बाद में बताता हूँ ना, अभी मुझे जाना होगा, प्लीज। ना, बालवीर को रास्ता मिल गया गोला ढूंढने का और तुम बस यहाँ चुपन छुपाई के। ऐसा ना हो जाए कि बालवीर पीछे से आकर तुम्हें धप्पा मारे और तुम जमीन पर गिर जाओ। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं रे हूँ, कोई फ्रूट की ट्रेन हूँ जिसमें आइडिया सजा के दे दिया अनन्या ने बालवीर को। इनफ इज इनफ, लगता है बालवीर के साथ फेस टू फेस बात करने का टाइम आ गया। मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे विमान को उस कोले से बाहर निकालने का रास्ता मिल गया है। अब पानी परी को लेकर भी आ जाइए। बाय सो मच हरि देवू। हरि, मैं तो आप भी लग रहे हैं। डोंट वरी अबाउट मी। अरे आपकी चिंता क्यों ना करूं, और अगर चिंता नहीं भी होती तो आप सामने आ जाते हैं मुझे चिंता देने के लिए। आई गेस मेरी डेस्टिनी में लिखा है तुम्हारा और मेरा फेस ऑफ होना। हाँ, लेकिन हर बार मिलना तो किस्मत में नहीं लिखा हो सकता ना, और भी कई सारे रीजन है हमारे मिलने के। रीजन है ना, क्वारंटाइन सेंटर। पर क्वारंटाइन सेंटर कॉलेज में, और ये भारत नगर है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वाह, हर क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन। तुम अपने एग्जाम्स में भी क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन लिखते हो या फिर आंसर्स पता ही नहीं तुम्हें? आई मीन पास भी होते हो या फेल ही होते? फेल होने ही वाला होता हूँ, लेकिन फिर दिमाग लगा लेता हूँ और फेल होते होते बच जाता, पास हो जाता। वो सुना होगा ना, हार कर जीतने वाले को देबू कहते हैं। वैसे मैं तो यहीं पर रहता हूँ, पर आप यहाँ क्यों हैं? मैं यहाँ क्यों हूँ उसका रीजन है तुम। मैं मतलब means तुम विवान। और भारत नगर के सारे लोग कितने लविंग एंड केयरिंग हैं, ऐसा लगता है एक रिलेशन बन गया इनके साथ, इसलिए मैंने अपना होम स्वीट होम यहीं ले लिया। अब हमेशा तुम पर नजर रहेगी मेरी। मुझ पर क्यों नजर रखेंगे यार? फिर से सवाल, अब हम नेबर्स बनने वाले तो हमेशा नजरों के सामने रहोगे ना तुम? वैसे तो आप भी मेरे नजरों के सामने रहेंगे। अब लेकिन अभी मुझे थोड़ा जरूरी काम, बाद में मिलते हैं। मेरा एक आखिरी काम बाकी रह गया, बेस्ट ऑफ लक तो बोल दो। बेस्ट ऑफ लक? मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलकर खुद के लिए बैड लक बना लिया तुमने पालवीर। अब तुम्हारी और विवान के लाइफ की कोई रे ऑफ होप नहीं बची, क्योंकि क्राय और प्रे छोड़ेगा नहीं। रे बागीर, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मैं इस पूरे कमरे को समुद्री पानी से भर देता हूँ। ध्वनि परी, अब अपनी जादुई शक्तियों से पानी के बाहर जाने के सारे द्वार बंद कर दीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मैं समुद्र के अंदर था और जब शिंकाई वालों ने विवान को इस गोले के अंदर डाला था, तब वो गोला पानी के अंदर ठहरा हुआ था। यानी अगर यहाँ भी मैं समुद्री पानी भर दूं, जो भी इसमें से असली गोला होगा
वो पानी के अंदर ठहरा रहेगा, बाकी के नकली गोले पानी पर तैरने लगेंगे। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है बालवीर, इससे तो साफ हो जाएगा जितने नकली गोले हैं वो ऊपर पानी में तैरने लगेंगे और असली गोला हमें मिल जाएगा। तो ध्वनि परी, देर किस बात की? बालवीर कहीं बाजी न पलट दे। बिरबा, ये बताओ ये बाकी के नकली गोले भी तैरेंगे क्या? हाँ शायद, मेरा मतलब मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकती, पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बालवीर अपना दिमाग इस्तेमाल कर ऐसी कोई तरकीब निकालेगा अपने भाई को बचाने के लिए। तो कुछ करो बिरबा, अगर बालवीर को यह पता चल गया कि विवान किस गोले में, तो जीती हुई बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। कुछ भी करने से पहले रेखा यहाँ होना बहुत जरूरी है बम्बाल श्री, और पता नहीं वो है कहाँ पर, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा वार उल्टा पड़ जाए हम पर। ध्वनि परी, अब जल्दी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा गोला नीचे रहेगा जिसमें विवान है। पानी ऊपर तक भर चुका है, लेकिन अभी तक एक भी गोला तैरता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा बालवीर? ये सारे के सारे गोले पानी के ऊपर तैर रहे हैं। नहीं ध्वनि परी, ध्यान से देखिए, वो एक गोला अभी भी पानी में डूबा हुआ है। आखिर बालवीर को असली गोला मिल ही गया और ये जीती हुई बाजी हमारे हाथ से निकल गई। आखिरकार वो गोला हमें मिल ही गया जिसके अंदर विवान है। अब मैं इस चाबी की मदद से विवान को बाहर निकालूंगा, लेकिन मुझे इस चाबी का इस्तेमाल सावधानी से करना होगा, वरना विवान अगले 20 सालों के लिए इस गोले में कैद हो जाएगा। We'll be right back.
गोला छोटा कैसे हो गया? मैंने चाबी का इस्तेमाल तो ठीक से किया था, फिर भी बालवीर अगर गोले का ये हाल है तो सोचो विवान विवान की क्या हालत होगी अंदर। विवान 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 तुम ठीक हो ना? विवान 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 ये कैसे हुआ? I'll tell you, Mr. B. जब देवू के पास सही चाबी थी तो उसे यह नहीं पता था कि सही गोला कौन सा है, और अब जब उसे यह पता है राइट गोला कौन सा है जिसमें विवान बंद है, तो उसके पास राइट की नहीं है। मतलब चाबी बदल गई? कैसे? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वाह, हर क्वेश्चन के बदले एक सवाल। देखा मिस्टर बी, कितना इजीली मैंने रियल चाबी निकाल कर डुप्लीकेट चाबी देवू के पॉकेट में डाल दी, और उस चाबी ने पूरा गेम चेंज कर दिया। दुश्मन के गोद में बैठ के उसके गाल को गुदगुदी करके आए मेरा शेर रे। कितने दिनों बाद आया हूँ मैं तुमसे मिलने। तुमसे बात कर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी पूजा सफल हो गई। मैंने आपसे जो कुछ मांगा था आज मुझे मिलने वाला है। आ, मेरे पुराने दोस्तों, कितना याद किया मैंने तुझे, पता है? चल चल, हमें देर मत कर, जल्दी से खिला दे मुझे अपने अंदर की ठंडी ठंडी हवा के झोंके। क्या बढ़िया बढ़िया खाने की चीज है इसके अंदर। रसगुल्ला भी है, मजा आ गया। तुझे तो मैं खाऊंगा लेकिन बाद में। पहले जो चीज मुझे सबसे प्यारी है वो चीज कहाँ है? यहाँ देखता हूँ। मेरी चाट से भी प्यारी। हाँ क्रीम खुल जा। मजा आ गया, अभी खाता हूँ। अरे डुबा डुबा रुको, ये क्या कर रहे हो? बंद करो इसे खाना। आ गई मेरी प्यार की दुश्मन। डुबा डुबा, एक और बार भी छींका है ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे अरे बाल बरी, कुछ नहीं होगा। वो क्या है ना, बस यही क्रीम ही है जो वी लुक में नहीं मिलती। समझे कि नहीं समझे? बस थोड़ी जोर खाने दीजिए, बस थोड़ी सी, थोड़ी सी। रुको, नहीं कुछ नहीं होगा। जिस बात का डर था। बालपुरी क्या हो गया? ये देखो।
और बड़े, अब क्या करें? तुम एक काम करो, तुम जल्दी से विवान के कमरे में आ जाओ, ठीक है? हाँ। दबर दबर दबर। विवान! विवान! माँ! विवान, तुम ठीक तो हो ना? विवान, विवान तुम मुझे सुन पा रहे हो? विवान तुम ठीक हो ना? गोले के अंदर लोगों के कोई ठीक कैसे रह सकता है भैया? वैसे मैं तो छोटा छोटा सा क्यों फील कर रहा हूँ? अब विवान, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। शौर्य ने परितारा की मदद से एक चाबी बनाई थी, जिसकी मदद से मैं एक गोला खोलने ही वाला था, लेकिन तभी कि गोला अचानक छोटा हो गया, पता नहीं कैसे। भैया आप भी ना। लेकिन विवान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस गोले से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। मैंने जो वादा किया था उसे जरूर पूरा करूंगा। है? ये चूजा गोले के अंदर होश में आ गया? प्रॉमिसेस तो ब्रेक करने के लिए होते हैं माय डियर बालवीर, एंड बिलीव मी, इस बार तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। अभी उसे जाके चेतावनी देती हूँ कि उसके पास सिर्फ 2 घंटे हैं उस अंडे को हमेशा के लिए बंद होने से रोकने के लिए। नो 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 लेडी बीरबा, ये अमेजिंग गेम मैंने शुरू किया है, तो इसे एंड भी मैं ही करूंगा। आई विल गो टू बालवीर। सब्र रे सब्र। कभी कभी पीठ पर वार करना ही ठीक होता है। और ये मत भूलो कि अभी तक तुम्हें बालवीर का खून मिला नहीं है, इसलिए तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो कि बालवीर का मुकाबला कर सको। डोंट वरी मिस्टर बी, मेरा अटैक पीछे से ही होगा, लेकिन वो एक स्लैब की तरह जाकर बालवीर के गाल पे लगेगा। लेडी बीरबा, ये क्या है? इसी मोमेंट के लिए मैंने आपसे च्युइंगम बनवाया था लेडी बीरबा, अभी आवाज बदलने वाला च्युइंगम ही मेरी आइडेंटिटी को छुपाएगा। हेलो हेलो बालवीर, कौन हो तुम? आई एम योर गॉड। जब इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है तब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। काउंटडाउन तो शुरू हो गया बालवीर, बट नॉट फॉर मी, फॉर यू। इसका फैसला कौन करेगा? Of course, मैं करूंगा। Now listen, my dear puppet, तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा है विवान को उस गोले में परमानेंटली लॉक होने से बचाने के लिए। 1.5 घंटा काफी है मेरे लिए। अच्छा, और अगर उससे पहले मैंने तुमसे वो गोला छीन लिया तो? अगर उससे भी पहले मैंने तुमसे तुम्हारी सांसें छीन ली तो? I like your confidence, लेकिन तुम मुझे असली चाबी को डुप्लीकेट चाबी के साथ बदलने से नहीं रोक पाए, तो आगे कैसे रोकोगे? एक सलाह देता हूं, कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक सलाह मैं भी देता हूं, मुझे खुद से पावरफुल ही समझो, अपना प्लाज्मा दे दो और गोला खोलने की असली चाबी मुझसे ले जाओ। गोला खोलने की असली चाबी तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, और वो भी अपनी शर्तों पर, तुम जो कोई भी हो,
मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और ये खेल जो तुमने शुरू किया है उसे मैं खत्म करूंगा। विवान तुपड़। मुझे पता है तू फ्रिज के पीछे छुपा है। एक तो आधी आइसक्रीम का डब्बा खाली कर दिया बिना परमिशन के और ऊपर से फ्रिज का दरवाजा भी खुला हुआ है। पता है ना लाइट का बिल कितना आता है? अच्छा तुझे लग रहा है कि तू छुप जाएगा और मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी? तुझे पता नहीं है कि मेरे हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे हैं। विवान तेरी चोरी पकड़ी गई है। विवान बाहर निकल। पकड़ लिया। रुक रुक। तुझे क्या लगा तू पतीले के अंदर छिप जाएगा और मैं तुझे देख नहीं पाऊंगी? विवान चल अब नाटक बंद कर, पतीले से बाहर निकल और सॉरी बोल। चल विवान बाहर निकल के सॉरी बोल दे वरना बहुत जोर से कान खींचूंगी तेरे। दबड़। अरे बाहर कैसे आऊं मैं ये डूबा डूबा वाली शक्ल लेकर? क्या करूं? आज तो मेरा राज खुल जाएगा कि मैं विवान नहीं हूँ। विवान मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तू पतीले से बाहर नहीं आया ना तो फिर मुझे मत बोलना। 3 2 1 बदमाश। एक तो मैं तुझे सॉरी बोलने का मौका दे रही हूँ और तू भाग गया बदमाश। विमान संभालो डूबा डूबा। संभालो संभालो। बलबरी जल्दी से बताइए ना मुझे, मैं विवान कैसे बन सकता हूँ? भैया प्लीज कुछ करो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। भैया प्लीज कोई रास्ता निकालिए, कोई दूसरी चाबी नहीं बन सकती क्या? विवान वो चाबी बनाने का कोई और रास्ता होता तो मैं अब तक बना चुका हूँ, लेकिन परी तारा अखंड ब्रह्मांड चाबी सिर्फ एक ही बार बना सकता है। लेकिन तुम चिंता मत करो भैया, मैं यहाँ कैद में पापड़ की तरह गर्मी से पक रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि चिंता मत करो। विवान ये बस थोड़े समय की बात है और वैसे भी हमारे दुश्मनों ने अति आत्मविश्वास में आकर मुझसे बात करने की गलती कर दी है, उसी का फायदा उठाकर मैं उन तक पहुँचूंगा और अखंड ब्रह्मांड चाबी को वापस हासिल करूंगा। दोनी भाई हाँ। आप अपनी शक्तियों से पता लगाइए कि आवाज कहाँ से आई थी। मुझसे संपर्क करने वाले की आवाज ये थी। काउंटडाउन तो शुरू हो गया बाल्दे। Now listen my dear puppet, तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा है विवान को उस गोले में परमानेंटली लॉक होने से बचाने के लिए। मैं जानता हूँ कि उसने हमसे आवाज बदल कर संपर्क किया है, लेकिन मुझे आपकी शक्तियों पर विश्वास है, इसलिए आप अपनी शक्तियों से इसका पता लगाइए कि कौन है और उसने कहां से संपर्क किया था, ताकि हम असली चाबी तक पहुंच सके। सदमे में तो बहुत हो गया आज, तो बड़ा हीरो की तरह आवाज बदल के उसे कॉल किया था ना, आज उसने उल्टा तुम्हें पानी पिलाया। मिल गया ना शेर को समा शेर, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। बालवीर का कॉन्फिडेंस ही उसका डिएंड बनेगा। एंड आई नो बालवीर इतनी स्टाइल इसलिए मार रहा है क्योंकि विवान वाला गोला अभी भी उसके पास है। लगता है ऊंट को पहाड़ के नीचे लाने के लिए एक टेंशन का डबल डोज देना ही पड़ेगा। इस बार इतनी हाई वोल्टेज का झटका दूंगा बालवीर को कि पूरी तरीके से हिल जाएगा। बी रेडी बालवीर, बिकॉज विवान वाला गोला बहुत जल्द छीनने वाला है रे तुमसे। छीनने वाला हूं पर कैसे? यू विल कम टू नो ब्रिगेंसा।
क्योंकि ये डर्टी काम अब तुम्हें ही करना है। हैं?